उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कोविड 19 महामारी के दौरान परोल पर छोड़े गए 255 कैदियों के फरार होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा और सितारगंज की जेलों से रिहा किए गए ये कैदी अपनी परोल की अवधि समाप्त होने के बाद जेल वापस नहीं लौटे हैं। इनमें से कई पर हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं। जेल प्रशासन के बार बार नोटिस भेजने के बावजूद इन कैदियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिससे प्रशासन और पुलिस दोनों पर दबाव बढ़ गया है। कोविड 19 महामारी के समय जेलों में भीड़ को कम करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इन कैदियों को विशेष रूप से परोल पर छोड़ा गया था। सामान्य परिस्थितियों में परोल 1 महीने की होती है, लेकिन महामारी के दौरान इसे 3 महीने तक बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तराखंड की जेलों से लगभग 581 कैदियों को परोल पर छोड़ा गया था, जिनमें 81 दोषी करार कैदी और 500 छोटे मोटे अपराधों के आरोपी शामिल थे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जितने लोग भी कोरोना काल के दौरान रिलीज किए गए थे पेरोल पे और उन्होंने वापस आमद नहीं कराई है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोगों द्वारा टीमें बनाई गई और शीघ्र इसमें जितने लोग भी बाहर हैं उनको वापस अरेस्ट करके और विधिक कार्रवाई करके वापस उनको जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए।